नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका अपने मैथ्स चैनल डीआरएस मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज हम करने चल रहे हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता ही है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ये हमने पहले वीडियो में आपको सिखाया कि इंटरेस्ट का मतलब यहां पर किससे है, सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, इंटरेस्ट से मतलब हमारा अभी सिंपल इंटरेस्ट से है, अभी हम केवल सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, मूलधन, उसका रेट, उसका टाइम 100 से डिवाइड किया। यहां से देखिए है क्या कि ये जो इंटरेस्ट है हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल का मतलब हो गया मूलधन। इसका मतलब कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है। पैसा ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा। फिर और क्या हो सकता है, अगर रेट अगर आप बढ़ाएंगे तो भी इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ज्यादा टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो भी इंटरेस्ट ज्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप का ये मतलब होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि अब डायरेक्ट रिलेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा होने से ही नहीं है। अगर हम प्रिंसिपल को कम करेंगे, यानी जो हम पैसा इंटरेस्ट पर दे रहे हैं, अगर वो पैसा कम करेंगे तो मिलने वाला इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। अगर एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए मुझे अगर 1000 रुपए में 10 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा था, तो मैंने ये पैसा कम करके 500 रुपया कर दिया, तो हमने क्या किया, अपना प्रिंसिपल अमाउंट, अपना पैसा जो इंटरेस्ट पे दिया था उसे कम कर दिया, तो ये इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अगर एक मान को कम किया तो दूसरा भी कम हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 रुपए। और इसी का उल्टा अगर मैं करूं, 1000 की जगह अगर मैं 2000 रुपया इन्वेस्ट कर दूं तो 10 रुपए की जगह 20 रुपए इंटरेस्ट मिलने लगेगा। ठीक है, ये मतलब है इसका कि इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, कि अगर प्रिंसिपल यानी खर्च करने वाले पैसे का अमाउंट बढ़ाएंगे तो मिलने वाला इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से रेट भी है। मान लीजिए इसी पैसे में पहले अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, तो 10% पर ये मिल रहा था। अब अगर इसी रेट को मैं कम करके 5% कर दूं तो 5% पर कम पैसा मिलेगा। रेट हमने कम कर दिया, 10% का मतलब क्या, हर 100 रुपया में 10 रुपया। फिर अगर मैंने रेट कम कर दिया, 10% की जगह 5% कर दिया, तो उसी रेट से मैं पैसा मिलना था। रेट कम किया तो मिलने वाला पैसा कम हो गया, रेट को अगर हमने बढ़ा दिया तो मिलने वाला पैसा बढ़ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि एक टाइम की बात है भाई, 1 साल के लिए मान लीजिए 10 रुपए मिल रहा है, तो 2 साल के लिए क्या होगा, सीधी सी बात है, ज्यादा मिलेगा, 20 रुपया मिलेगा, 20 रुपीज मिलेगा। टाइम मान लीजिए मैंने कम कर दिया, 1 साल की जगह मैंने अगर 6 महीने कर दिए, 6 मंथ कर दिया, तो 6 महीने में 10 रुपए का आधा हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। मतलब कि अगर हम टाइम को बढ़ा रहे हैं तो भी हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, टाइम को कम कर रहे हैं तो भी इंटरेस्ट कम होगा। यानी कि अगर एक वैल्यू को कम करेंगे तो दूसरा भी कम हो जाएगा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, एक को कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा, रेट को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, प्रिंसिपल कम करेंगे तो कम हो जाएगा, प्रिंसिपल बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो यहीं पर मैं जो चीज कहने चल रहा हूं आज, वो ये समझिए, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरेस्ट है, ये यहां से हटा देते हैं, ये क्या हो गया, इंटरेस्ट इन तीनों के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और इंटरेस्ट की वैल्यू जो है, इंटरेस्ट जो हमारा है, ये किसके किसके मान के लगभग बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये हमारा इंटरेस्ट इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो यही सिंबल हम हटा करके क्या लिख देते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिस। अब आप देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन इस टाइप से होगा कि अगर प्रिंसिपल को 2 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 2 टाइम्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3 टाइम्स, और टाइम को हमने क्या किया, इसको 4 टाइम्स कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब पहले अगर मैं 1000 रुपए खर्च कर रहा था तो अब मैं 2000 रुपए खर्च करूंगा, डबल करने का मतलब। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 टाइम्स का मतलब कि पहले अगर 5% था तो अभी 15% हो गया। टाइम 4 टाइम्स का मतलब कि पहले अगर 2 साल के लिए खर्च किया था तो अभी मैं 8 साल के लिए खर्च कर रहा हूं। हमने प्रिंसिपल भी बढ़ा दिया, रेट भी बढ़ा दिया, टाइम भी बढ़ा दिया। जब सब कुछ बढ़ा रहे हैं तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट कितने टाइम्स बढ़ जाएगा हमें कुछ भी नहीं मालूम। क्वेश्चन यही है कि इफ प्रिंसिपल इंक्रीज 2 टाइम्स, रेट इंक्रीज 3 टाइम्स,
एंड टाइम इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट? तो भैया कुछ नहीं, इंटरेस्ट क्या है, इन तीनों का गुणनफल है ना, तीनों का प्रोडक्ट है, प्रिंसिपल का, रेट का, टाइम का, तीनों का प्रोडक्ट है, तो तीनों के ये टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 × 3 × 4 यही आप कर दो, तो कितना हुआ, 4 × 3 = 12 × 2 = 24 times, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 24 times हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, समझ पाए नहीं समझ पाए भाई, प्रिंसिपल 2 गुना, रेट 3 गुना, टाइम 4 गुना, तो इंटरेस्ट भी क्या हो गया, इंटरेस्ट तीनों का प्रोडक्ट है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 2 × 3 × 4 × 2 × 3 × 4 पूरा मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा उतने टाइम्स इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब इसी को देखो, इसी एग्जांपल से मैं एक चीज ये आपको समझा दूं, देखिए अभी जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई ऐसा है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 2 times बढ़ा दिया, रेट को हमने हाफ कर दिया, जस्ट हाफ, हाफ टाइम्स, 1/2 का मतलब जितना था उसका हाफ कर दिया, और टाइमिंग जो था उसको हमने 3 times कर दिया। अब बताइए इंटरेस्ट में क्या फर्क पड़ेगा, तो इंटरेस्ट भाई क्या होता है, तीनों का प्रोडक्ट होता है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 1/2 × 3 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट 3 times बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं जरूरी है कि तीनों एक साथ बढ़ेंगे तभी बढ़ेगा, कोई एक वैल्यू, कोई दो वैल्यू बढ़ रही है दूसरा कम हो रहा है, कोई बात नहीं है, कम हो रहा है तो जितने टाइम्स, हाफ हो रहा है, हाफ का मतलब 1/2, 1/3 हो रहा है मतलब 1/3, मान लीजिए रेट को इसकी जगह पर अगर ये कह देते कि भाई 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, इस सिचुएशन में इंटरेस्ट क्या होगा, इस सिचुएशन में इंटरेस्ट फिर वही होगा, प्रिंसिपल 2 गुना हुआ है 2 times, रेट 1/3 हो गया तो 1/3, टाइम 3 गुना हो गया इंटू 3 कर दो, 3 कैंसिल हो जाएगा, इस बार 2 आया, तो इस बार का आंसर क्या हो गया कि इंटरेस्ट विल बी 2 times, ठीक है, समझ पाए इसको। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज ₹50, कुछ पैसा है जिस पर मिलने वाला इंटरेस्ट ₹50 है, वो कह रहे हैं कि अगर जो पैसा है, जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया, अगर उसको डबल कर दें तो इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। अब आप देखिए, पहली चीज तो ये समझिए कि तीनों चीजें ही, जैसे इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया जिससे हम निकालते थे। अब यहां पर देखिए, जरूरी नहीं है कि तीनों चीजें बदली जाए, कि प्रिंसिपल भी बदल दिया, रेट भी बदल दिया, टाइम भी बदल दिया, नहीं, तीनों बदलेंगी तो हम तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, अगर तीनों नहीं बदलेंगी तो जो बदलेगा उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। यानी कि हमने बोला था कि इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल, इंटरेस्ट इज प्रोपोर्शनल टू रेट, एंड इंटरेस्ट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ऐसा नहीं कि केवल तीनों बदलेंगे तभी, प्रिंसिपल मान लीजिए हो गया डबल 2 times, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बदला, वो जितना था उतना ही रह गया, द सेम अमाउंट, दैट इज 1। टाइम क्या रह गया, बिल्कुल 1 गुना ही रह गया, तो क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई तीनों कर लीजिए, तो ये दोनों 1-1 ही रह जाएंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जितना गुना एक जो चेंज हो रहा है, जितने टाइम्स ये हुआ उतना टाइम्स चेंजेस आ जाएगा। अब आप यहां से डायरेक्टली देखिए, प्रिंसिपल को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2 times कर दिया, तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो पहले इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, ₹50, अभी कितना हो जाएगा, जस्ट डबल, ₹100 हो जाएगा। क्या है इस क्वेश्चन, कुछ नहीं, ठीक है, केवल प्रिंसिपल को 2 गुना कर दिया, तो प्रिंसिपल भाई अगर डबल हुआ तो इंटरेस्ट डबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज होता तो हम उनसे भी मल्टीप्लाई कर लेते, राइट। तो इसको अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई प्रिंसिपल 2 गुना हो गया है, प्रिंसिपल कितना हो गया, 2 times, तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, ये भी केवल एक ही वैल्यू है 2 times, तो इंटरेस्ट भी 2 times हो जाएगा। तो ये आपको लिखना थोड़ी है, आपको वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा देखिए कि जितना इंटरेस्ट है उसी का डबल कर दीजिए, 2 × 50 कर दीजिए, आंसर आ गया ₹100, राइट। आइए देखते हैं और क्वेश्चन, देखिए भाई जैसे ये क्वेश्चन है, ऑन अ सम ऑफ मनी, कुछ पैसा है, उस पर एक बैंक ₹300 सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 5 साल में, ठीक है, 5 years में कितना दे रहा है, ₹300। अब कह रहे हैं कि अगर जो डिपॉजिटेड अमाउंट है, जो पैसा जमा है, अगर उसको डबल कर दिया जाए, 2 साल के बाद जो जमा पैसा है, अगर 2 साल के बाद उस पैसे को डबल कर दिया जाए, तो 5 साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आप ये बताओ,
राइट। तो पहले आप देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पहले पार्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए कुछ पैसा मिल रहा है वो आपको मालूम है, और बीच में उस अमाउंट को जो पैसा जमा किया गया उस पैसे को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, राइट। तो जब भी ऐसा परिवर्तन हो तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि पहले हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा था एनुअल। तो आप देखिए, पहले आपको दिया हुआ है कि 5 साल में 300 रुपए, 300 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स, पहले 5 साल में 300 रुपए मिल रहा था। तो आप सीधा सीधा बताओ भाई कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 300 by 5, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्या हो गया 60 रुपीज पर एनम हमें पहले मिल रहा था, ठीक है। अब ये अमाउंट कितने साल के बाद बदला गया, पूरा पैसा है 5 साल के लिए, पूरा अमाउंट कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए। इस 5 साल में उन्होंने क्या किया, 2 साल के बाद, मतलब 2 साल तक कोई चेंज नहीं, तो 2 साल के बाद कितना साल बचेगा, 3 साल, 2 साल तक कोई चेंज नहीं किया, 2 साल के बाद में जो टाइम है उसमें अगर 2 साल से पहले अगर ये पैसा पी एम रुपीज था तो 2 साल तक कोई चेंज नहीं, 2 साल के बाद इसी पैसे को इन्होंने डबल कर दिया यानी कि 2p कर दिया, तो जो भी चेंज आएगा वो बाद में आएगा, ठीक है। समझ गए कि 5 साल का पूरा पैसा है, 2 साल तक कोई चेंज नहीं, इनके हिसाब से आफ्टर 2 ईयर्स यानी 2 साल के बाद पैसा, यानी आफ्टर 2 ईयर्स मतलब कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए, पैसे को डबल कर दिया। तो आपको बताना है इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सीधी सी बात है प्रिंसिपल बढ़ाया तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, एग्जैक्ट क्या होगा वो हम निकालते हैं। अब आप देखिए यहां से क्या मिला आपको कि 5 साल में 300 रुपए मिल रहा था, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 60 रुपए, 60 रुपीज मिल गया। अब यही पैसा 2 साल तक तो कोई चेंज नहीं है, तो 2 साल में कितना मिलेगा बताओ, बिल्कुल सही 60 × 2 यानी कि 120 रुपए, 2 साल तक तो 60 रुपए के रेट से मिलता रहा। अब आपने क्या किया कि आपने ये पैसा डबल कर दिया, पैसा डबल कर दिया तो यहां पर एक इंटरेस्ट था तो यहां पर डबल इंटरेस्ट मिलेगा, रेट और टाइम छोड़ दीजिए, अभी यहां पे क्या किया कि रेट छोड़ प्रिंसिपल को केवल डबल किया है, अगर प्रिंसिपल डबल किया तो इंटरेस्ट डबल हो जाएगा, तो इंटरेस्ट यहां पे कितना मिल रहा था, 60 रुपए जो मिल रहा था अब वही 120 रुपए मिलेगा, 60 रुपए जो 1 साल का मिल रहा था वो कितना मिलेगा, 120 रुपए। क्यों डबल हो गया, क्योंकि पैसा डबल हो गया। अब 120 के रेट से कितने टाइम के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है, 3 साल के लिए, तो 3 साल का इंटरेस्ट हमारे पास होगा 120 × 3, ये कितना हो गया 360 है। अब यही दोनों पैसा 5 साल, ये टोटल क्या हुआ 5 साल, तो 5 साल का ये टोटल पैसा हो गया आपके पास 480, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ आया कि भाई एक पैसे पर कुछ टाइम, 5 साल में 300 रुपया मिल रहा था, कुछ टाइम के बाद में हमने क्या किया अमाउंट डबल कर दिया या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, ठीक है। तो जब भी ऐसे चेंजेस करेंगे तो जितने हिसाब से बढ़ाया है तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, घटाते तो इंटरेस्ट कम हो जाता, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, ऐसा देखिए भाई, जैसे ये क्वेश्चन है कि एक सम ऑफ मनी, कुछ पैसा है जो बैंक क्या कर रही है 6 साल में 480 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही थी। अब कह रहे हैं कि अगर जो ये जमा होने वाला पैसा है इसको 1.5 गुना कर दिया जाए, 1.5 times कर दिया जाए, ठीक है। 1.5 गुना का मतलब 1.5 times, 1.5 times, जो भी आप बोलिए। ऐसा कब हो रहा है, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद अगर वही पैसा 1.5 गुना कर दिया जाए तो 6 साल के बाद मिलने वाले रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट में क्या इफेक्ट आएगा। तो हमने क्या बोला भाई, सीधा सीधा आप लिखिए 6 साल, पैसा कितना मिल रहा है 480 रुपए, राइट। तो 1 साल में कितना पैसा मिलेगा, 480 / 6, 6 से डिवाइड किया 6 × 8 = 6 × 48 होता है, यानी 6 × 8 = 80 रुपया हो गया, 80 रुपए उसको हर साल मिल रहा है। आफ्टर 3 ईयर्स चेंज हुआ यानी कि टोटल टाइम पीरियड जो है उसको अगर बांट दीजिए तो पहले 3 साल बाद में 3 साल, पहले 3 साल तक कोई चेंजेस नहीं, वही प्रिंसिपल है, ठीक है। बाद वाले 3 साल के लिए 1.5 गुना कर दिया, 1.5 times, तो इसको मैं ऐसे लिखूं 1.5p लिखूं या 1.5 का मतलब होता है 3/2p, जो भी आप समझे। तो 1.5, 1.5 का मतलब ही होता है 3/2, ठीक है। इतने टाइम्स कर दिया यानी प्रिंसिपल को p से बढ़ा के क्या कर दिया, 3/2p कर दिया,
इसको ऐसे लिखें, ठीक है। अब आप देखिए क्या है कि 3 साल तक कोई चेंज नहीं था, तो पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लो भाई, 1 साल का इतना, तो 3 साल का कितना, सीधी सीधी बात है 6 साल का जो था उसका आधा हो जाएगा, या ऐसे भी निकालना चाहो तो 3 × 80 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹240, 240 हो जाएगा। अब आप एक चीज देखो कि प्रिंसिपल क्या हुआ है, बढ़ाया गया है, कितना, डेढ़ गुना किया गया, तो इंटरेस्ट भी तो भाई डेढ़ गुना बढ़ेगा, अगर प्रिंसिपल जितना गुना बढ़ेगा उतना ही टाइम्स, क्योंकि जितनी टाइम्स प्रिंसिपल बढ़ेगा उतना टाइम्स इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट को भी डेढ़ गुना कर दो, तो इंटरेस्ट कितना है, 80 × 3/2 कर दो, तो ये 2 × 4 = 40, 43 जा कितना आ गया, ₹120 हो गया इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट पहले ₹80 था, वही इंटरेस्ट अब बदल के कितना हो गया, ₹120। कितने टाइम के लिए बदला है, 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए यहां पर इंटरेस्ट निकाल लो, क्या होगा, 3 × 120, और ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 360। ये पूरे हो गए 6 साल, कितना हो गया, 6 साल। 6 साल में पहला 3 साल पुराने रेट से इंटरेस्ट है, बाकी बाद वाला 3 साल चूंकि प्रिंसिपल बदल गया इसलिए इंटरेस्ट भी बदल जाएगा, बदल गया। अब ये टोटल वैल्यू निकाल लीजिए, 3 × 2 = 5 = 600 रुपए, तो जो इंटरेस्ट उनको पहले ₹480 मिलता था अब वो ₹600 मिलेगा, है, समझ आ गया। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्या है कि ऑन अ सम ऑफ मनी, कुछ पैसा है जिस पर सिंपल इंटरेस्ट ₹720 है 6 साल के लिए, 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डबल हो गया, किसके लिए, फॉर 1.5 times ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड, यानी जो पैसा डिपॉजिट हुआ था अगर उस पैसे को डेढ़ गुना हो गया, पैसा कितना हो गया, 1.5 times यानी डेढ़ गुना हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, 2 गुना हो गया, देन व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। 6 साल में 2 साल के बाद चेंज आ रहा है, तो यहां पर लिख देंगे 2 साल और बचेगा कितना, 4 साल। जो चेंजेस आए हैं वो अभी हम देखेंगे, पहले हमारे पास सीधा सीधा क्या है भाई कि 6 साल के लिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा था वो था ₹720, तो हमें बताओ भाई 1 साल का कितना होगा, सीधी सी बात है 720/6 यानी कि ये पैसा हो गया ₹120, 1 साल का ₹120। 2 साल तक कोई चेंजेस नहीं, जो पैसा था वही रहेगा, तो 2 साल के लिए हमारा जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल फिक्स है, 2 × 120, तो वैल्यू हो गया ₹240। 2 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि 2 साल तक कोई चेंज नहीं हुआ। अभी बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल डेढ़ गुना हो गया, यानी कि 3/2 times प्रिंसिपल हो गया, एंड जो रेट था वो रेट डबल हो गया, तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए इंटरेस्ट में क्या होगा, तो सीधी सीधी बात बोलो भाई, इंटरेस्ट क्या होता है, जितने टाइम्स रेट और प्रिंसिपल बढ़ेंगे उसी को, देख लो ये कितना हुआ, 3/3/2 times प्रिंसिपल हुआ था × 2 times रेट हुआ था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर मिला क्या, 3, तो इंटरेस्ट विल बी 3 times, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो पहले इंटरेस्ट कितना है, ₹120, 3 गुना होने का मतलब × 3 यानी कि ₹360 हो जाएगा, ₹360 इंटरेस्ट हो गया सब कुछ चेंज करने के बाद में। अब इसी रेट से बाकी 4 साल का निकाल दीजिए, 2 साल का ये था तो 4 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 4 × 120 का 3 गुना करना है तो 3 × 360 है 360 इज इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए, 0 × 4 = 24, 2 × 4 = 12, 2 = 14, 1640। अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए, यही दोनों हो गया 6 साल का पूरा, तो टोटल ऐड करिए कितना हो गया, 0448 4261 यानी कि 1680 आपका इंटरेस्ट हो गया, समझ आया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उनको इसी तरह से हल करना है, इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जैसे एक कंडीशन ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो देखिए एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं उन्हें डिस्कस कर रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है तो आप देखिए इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, ये हो गया, ठीक। अब आपका क्या है कि ये रेट फिक्स हो गया, रेट फिक्स हो गया तो बचा क्या,
प्रिंसिपल बच गया, टाइम बच गया, इंटरेस्ट बच गया। तो यहां से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो देखिए। अब जैसे एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि दो साल में कोई भी अमाउंट है, कोई भी पैसा है, कोई भी धनराशि है, वो क्या हो रही है कि दो साल में तीन गुना हो गई। दो साल में कितना हो गया? 3 times। तो कितने, 4 साल में कितना टाइम्स हो जाएगी ये बताइए, ऐसा क्वेश्चन आता है। या फिर आपसे ये पूछता है कि भाई 4 times हो रही है वो 5 साल में, तो बताइए कि 8 times कितने टाइम में होगा, 8 times कितने साल में होगा। यानी कि कुछ अमाउंट है, कुछ पैसा है, वो कुछ साल में कुछ गुना हो जा रहा। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं ये कह दूं कि 1000 रुपए है, ठीक है, अगर ये 2 साल में डबल हो रहा, डबल हो रहा का मतलब 1000 से 2000 हो जा रहा, तो आप हमें बताइए कितने साल में ये 3000 हो जाएगा, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। अभी कितना है? 2 गुना है, कितने साल में 3 गुना हो जाएगा, या कितने साल में ये 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4000 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके पास आएंगे तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आप ये बता पाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे इसी को एग्जांपल को मैं ले रहा हूं कि कोई भी पैसा 2 साल में 3 गुना हो गया तो कितने टाइम में, 4 साल में कितना गुना हो जाएगा। तो जब भी ऐसा पैसा इस टाइप का आए तो टाइम को आपस में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि पहला टाइम 2 साल उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 4 साल से। दोनों टाइम को आपस में डिवाइड कर दीजिए, इसको बराबर करिए। पैसा देखिए 3 गुना हो रहा है ना, जैसे मान लीजिए मैं ये कह दूं कि 1000 रुपया था, 1000 रुपए का 3 गुना मतलब क्या हो गया, 3000 हो गया। 3 गुना का मतलब यही हुआ ना भाई, 1000 × 3 कर दिया, 1000 × 3 = 3000 हो गया। 1000 आपके पास पहले से था, ये बढ़ करके कितना हो गया, 3000। तो आप हमें बताइए आपको कितना पैसा मिला, एक्स्ट्रा कितना मिला, 2000 रुपए। कितना हुआ, 2000। यानी कि 1000 अगर 3 गुना हो गया तो 3 times में से 3 गुना है 3000, 2 गुना है 2000। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कि इसका जो फायदा हुआ, जो एग्जैक्ट पैसे में जो इजाफा हुआ या जो पैसा बढ़ा, कितना बढ़ा, 2000 बढ़ा। 1000 पहले था, 2000 बढ़ गया, बढ़ करके 3000 हो गया, ठीक है। तो जो 3 गुना हो रहा था तो बढ़ा हुआ अमाउंट कितना है, 2 times। बढ़ा वाला अमाउंट, इंक्रीज्ड अमाउंट कितना है, 2 times। अमाउंट बिकम्स 3 times, पैसा 3 गुना हो गया, लेकिन 3 गुना होने में जो बढ़ने वाला पैसा है, जो उसका इंटरेस्ट मिला, जो उसका इनकम हुआ एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा वाला कितना, 2 times है। 3 times बढ़ने पर इंक्रीज्ड वैल्यू 2 times है, 4 times बढ़ने पर इंक्रीज वैल्यू 1 कम, 3 times होगा। ऐसे ही 5 times बढ़ने पर इंक्रीज वैल्यू, बढ़ा हुआ पैसा कितना होगा, 1 गुना कम होगा। क्यों? क्योंकि 1 गुना तो वो खुद है, 1 times तो वो वैल्यू खुद है, ठीक है। तो अब आप देखिए 2 साल में ये 2 years 4 years टाइम को आपस में डिवाइड कर लीजिए, पैसा कितना हुआ था, 3 times हुआ था ना, तो यहां पर लिखेंगे 3 - 1। क्यों 3 - 1? क्योंकि बढ़ा वाला पैसा, 2 को ऑलवेज क्या लिखेंगे, 3 - 1। नीचे कितना गुना होगा हमें नहीं मालूम है, नहीं मालूम है उसको, चलिए मान लीजिए x, या इसको जैसे 3 - 1 लिखा तो हम मान लेते हैं कि ये n गुना हो जाएगा, तो n गुना का मतलब क्या हुआ, n - 1 लिखेंगे। इधर टाइम पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, पैसे में क्या करेंगे, 3 गुना होने का मतलब 3 - 1 एग्जैक्ट इंक्रीमेंट, n गुना मान लीजिए हो रहा है, मैं मान रहा हूं कि n गुना हो रहा है, तो n गुना होने का मतलब क्या हुआ कि n - 1 यहां लिखेंगे, ये बड़ा वाला अमाउंट है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू देखिए कितना मिलेगा, 2 1 जा 2 2 जा, 3 - 1 कितना होगा बोलिए, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो 2 और 2 इधर आके क्या हो जाएगा, 4 n - 1 इधर लाएंगे, तो n - 1 इज इक्वल टू हो गया 4, तो n इज इक्वल टू -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 times। यानी कि जो पैसा 2 साल में 3 गुना हो रहा था वो 4 साल में कितना हो जाएगा, 5 गुना। ऐसा नहीं है कि वो टाइम डबल हुआ तो वो 3 × 2 = 6 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा हो रहा है हमें समझाया आपको, आइए एक दो क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे देखिए यही क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 8 years, ठीक है, 2 गुना हो रही है 8 साल में, तो 3 times होगी कितने साल में, ये आपको बताना है। तो हमने क्या बोला कि टाइम को डिवाइड करेंगे,
तो यहां तो ले लिया 8 साल, 8 ईयर्स डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स नहीं मालूम है, ठीक है, तो यहां पर ले लो मान लो x इज इक्वल टू, डबल हुआ था 8 साल में, डबल हुआ था, डबल का मतलब 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना चाहते हैं 3 गुना, तो यहां पर क्या लिखेंगे 3 माइनस 1, ठीक है, टाइम एज इट इज लिखेंगे और जितना गुना होना है उसको अलग से लिख लेंगे। 8 साल में 2 गुना हो रही थी और कितने टाइम में 3 गुना होगी, टाइम निकालना, टाइम सपोज x हो गया, या x छोड़ दो, टाइम को मैं मान ले रहा हूं इट इज t, ठीक है, तो t इज 8y, y का मतलब ईयर्स, तो 8 बटा t इज इक्वल टू 2 गुना हुआ था तो 2 माइनस 1, 3 गुना चाहते हैं 3 माइनस 1, अब इसी को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या मिलेगा 8 बाई टी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 हो गया, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, इधर इधर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 इज इक्वल टू टी, यानी कि टाइम कितना लगेगा 16 साल, 16 ईयर्स, 8 साल में डबल हुआ तो 3 गुना होने में उसको कितने टाइम से लग जाएंगे 16 साल, 16 ईयर्स, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 16 ईयर्स, 16 साल में डबल हो रही है तो 8 साल में कितना हो जाएगी, ठीक है, तो हर कोई यही सोचता है भाई 16 साल में डबल हो रही तो 8 साल में आधा हो जाएगी, आइए देखते हैं क्या होता है। हमने बोला जो टाइम है उसको लिखो 16 साल 16 ईयर्स डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स, टाइम को आपस में डिवाइड किया 16 ईयर डिवाइडेड बाय 8 ईयर, टाइम पूरा पूरा रहेगा, पहले 16 साल है बाद में 8 साल है, जब 16 साल था तो पैसा डबल हो रहा था, डबल का मतलब 2 माइनस 1, अभी 8 साल है तो पैसा कितना होगा सपोज n, तो n माइनस 1, ठीक है, अब यहां से n माइनस 1 का वैल्यू निकालना, तो 8 टू जा 16, n माइनस 1 इधर लाएंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, इधर क्या है, इधर क्या है 2 माइनस 1 1 होगा और ये 2 नीचे आ जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ है तो n इज इक्वल टू 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2, इसी को डायरेक्टली मैं अगर आप ऐड करेंगे तो 2 1 जा 2 1 3 बाई 2 टाइम्स लिखिए, या इसी को मैं डायरेक्ट लिखता हूं एक पूरा है और ये आधा है तो जो फुल है फुल रखिए, फ्रैक्शन इसी के साथ लगा दीजिए 1.5 टाइम्स, ठीक है, तो सीधा सीधा क्या होना था, अगर 16 साल में 2 गुना हुआ है तो 8 साल में आधा हो जाना चाहिए, लेकिन पैसा कितना हो रहा है 1.5 टाइम्स, कितना हो रहा है 1.5 टाइम्स, ठीक है, समझ पा रहे हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल हो रहा है 20 साल में, तो पूछ रहा है कि 4 टाइम्स कितने साल में होगा, भाई कोई बात नहीं है टाइम निकालना है तो पहला टाइम लिखिए कितना 20 इयर्स डिवाइडेड बाय टाइम हमें चाहिए निकाल रहे हैं, पहले कितना हो रहा था 20 साल में डबल हो रहा है तो डबल का मतलब 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अभी कितना चाह रहे हैं 4 गुना, तो 4 टाइम्स का मतलब क्या लिखेंगे 4 माइनस 1, सिंपल, यहां पर वैल्यू लिख दिया 20 बाई टी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 को इधर ले जाओ टी को इधर ले जाओ तो ये वैल्यू हो गया 20 इंटू 3 होगा भाई 3 इधर जाएगा इंटू होगा तो 23 जा 60 इज इक्वल टू टी, तो टाइम कितना हो गया 60 साल, 60 इयर्स में वो पैसा कितना हो जाएगा 4 गुना, 20 साल में डबल हुआ तो 4 गुना होने के लिए कितना टाइम ले लेगा 60 साल, कब, जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हमने आपसे डिस्कस किए ये सारे क्वेश्चंस बैंक में रेलवे में एसएससी में पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उस टाइम पे आप बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन इनको सॉल्व करने का तरीका ये सबसे सिंपल है, टाइम और उस टाइम के रिस्पेक्ट में जितने गुना हुआ है उसमें से एक माइनस कर दो, फिर दूसरा टाइम और जितना कितना गुना होगा वो निकालने के लिए, और अगर टाइम्स मालूम है तो ये एग्जैक्ट साल निकालने के लिए ईयर निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, तो ठीक है, उम्मीद है इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। देखिए आप लोग घबराइए नहीं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिसने बोला कि सर कैसे होगा, बिल्कुल आप मेरे साथ इजिली आप इसको प्रैक्टिस करते चलिए, आपका मैं धीरे धीरे करके हर एक चीज आराम से सिखाऊंगा, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी तरीका जो भी मेथड जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, इससे
चैप्टर के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे वो क्वेश्चंस को कमेंट करिए, या फिर आप मेरे इस नंबर पर 9026467354 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर अपने क्वेश्चंस को एसएमएस कर सकते हैं और भेज सकते हैं। मैं आने वाले टाइम्स में कोशिश करूंगा उनको सॉल्व करूं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।